अगर मेरे से कोई कहे मैं आपको करोड़ रुपया दूंगा, कुछ भी दूंगा, इसको छोड़ दो, हम परमेश्वर को कभी छोड़ ही नहीं सकते। यीशु मसीह के अलावा और कोई मेरा परमेश्वर है ही नहीं। और ये हाथ में क्या आपके? बाइबल, पवित्र बाइबल। इससे प्रचार होता है चर्च में, ये प्रार्थना है, इससे प्रार्थना की जाती है प्रभु की। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि चंडीगढ़ के एक चर्च का वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक बहन है जो रिपोर्टर है और वहाँ पे चर्च के बाहर जो लोग आ रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हो, क्या कारण है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये वीडियो कि इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को कहा है कि हम आखिर क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सी यातनाएं विश्वास करने वाले लोगों को देखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, दुख उठाते हैं, सताव उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, दुनिया की तरह तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी अंत तक प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं बहुत से लोग। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में मतलब के लिए आते हैं और यीशु के काम बना और यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन उन लोगों की बातें मैं कर रहा हूँ जो सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राण देने तक विश्वास हो गए हैं। आइए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ किस प्रकार से इन अंकल जी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? राम भरत। राम भरत जी, कहाँ से आए हैं आप? सुंदरनगर से। सुंदरनगर, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं कि चंडीगढ़ का सबसे बड़ा चर्च लगता है। हाँ, चंडीगढ़ का चर्च, चर्च छोटा बड़ा कोई नहीं होता जी, ठीक है, पर भी प्रार्थना करनी है, ठीक है, चर्च छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर दुआओं से बीमारियाँ ठीक की जाती है, यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, आपके जिंदगी में ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण आप यहाँ पर आए? परमेश्वर में इसे आए क्योंकि हमारे में बहुत बिगड़े थे, मेरी बहू आ नहीं रही थी अपने ठीक मायके से, फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की और सब ठीक ठाक हो गया, मेरे पोते जी हो गए, है ना। हाँ, मतलब भारी मात्रा में आपने ब्लेसिंग्स देखे अपनी जिंदगी में। पहले मैं यीशु मसीह को मानते ही नहीं थे, दो बहन भाई आए ऐसे लड़के, कहने लगे कि आप भी हो जाओ, मैंने उनको डांट दिया, मैंने क्या क्या फ़ायदा है, मेरा मन तो बदलता नहीं। उन्होंने मेरे लिए दो मिनट में प्रार्थना की और दो मिनट में मैं प्रार्थना में मन एक जैसा हो गया। आज तक 8 साल परमेश्वर में ग्रहण किए हो गया, मेरे से लोग कहते हैं इसमें क्यों आयो, मैंने कहा सच्चाई परमेश्वर यीशु मसीह ही है। मतलब हाँ, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया आपसे? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। अच्छा, अपने मन से आते हो? अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से। अगर मेरे से कोई कहे मैं आपको करोड़ रुपया दूंगा, कुछ भी दूंगा, इसको छोड़ दो, हम परमेश्वर को कभी छोड़ ही नहीं सकते। यीशु मसीह के अलावा और कोई मेरा परमेश्वर है ही नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। और ये हाथ में क्या आपके? बाइबल, पवित्र बाइबल। तो इससे प्रचार होता है चर्च में? ये प्रार्थना है, इससे प्रार्थना की जाती है प्रभु की। हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये पढ़ के आपको कोई अच्छा लगता है? हाँ, समझ में आता है? हाँ, इसे पढ़ के कुछ? हम बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। तो क्या समझ में आता है आपको बाइबल? वचन, प्रभु के वचन इसमें पढ़ने में समझ में आती है। अच्छा। ये हमारी जीवन है। अच्छा, ये आपका जीवन है? ये जीवन हमारा। देखा दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर इन अंकल जी का कहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता, चाहे लोग मुझे करोड़ों रुपए क्यों ना दे दे। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग प्रलोभन से नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के प्यार से यीशु मसीह के पास आते हैं। आइए एक वीडियो और हम देखते हैं। मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूं। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया। दोस्तों, इस वीडियो को भी आप लोग पूरा जरूर देखकर चाहिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इस बात को रखा कि यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए संसार में बिल्कुल भी नहीं आया है, लेकिन जो कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका मन परिवर्तित होता है, क्योंकि यीशु किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। और रही बात अन्य देवी देवताओं की, हम क्यों किसी की निंदा करेंगे, क्यों किसी को छोटा बड़ा किसी को अपमान करें, हम सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को आदर करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो इस दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। आमीन। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है,
दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री ये बाबा वो पर्ची खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है, हमें पता है। बताओ यार तुम्हें इतने ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को जिंदगियां बना दो लोगों की, किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती रुद्राक्ष ले लो रुद्राक्ष ले लो करोड़पति बन जाओगे। मैं कहा तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। हालेलुया हालेलुया, बोली प्रवेश महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम् वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु, मैं संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है हृदय परिवर्तन। ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है उसमें बहुत ज्यादा, अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती है, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रहे मैं जैसे प्रवचन करूं कुछ भजन गाऊं वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चाताप ही हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप अश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों रो रही हो? बोले गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी, तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं आपकी दाढ़ी हिलती है तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं, ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है।
वो मुझे जानता है, और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं कल मिट जानी है। हालेलुया। औरत जो है मैं से कहती, गुरु जी मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा, बहन एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर एक ग्रह और लग जाए। बोले, अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे जले पे आप भी नमक छिड़क रहे। मैंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं मेरे गुरु, मेरे प्रभु तेरे साथ एक कृपा ये कर दे कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? अनुग्रह। जोर से बोलिए, अनुग्रह। क्या लग जाए? अनुग्रह। अरे यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्तः। अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यूयम अनुग्रहात् परित्राणं प्राप्तः। अनुग्रह लग जाए, और वो ग्रह जब लगता है सारे ग्रह रफू चक्कर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बाबा जी पार्टी में गए। मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, मेरे साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो ये दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। आमीन। प्रभु की शरण में आ गए। ऐसी सहज, और मेरे जिले का न्यायाधीश ऐसे साधारण बैठा हुआ। मैं भी कभी कभी चमत्कृत होता हूँ, बाहरे प्रभु ये तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी गए पार्टी में, हम भी जाते हैं पार्टी में, कभी कभी पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में गए बाबा जी और एक ग्रुप बना के लोग हंस रहे हैं बाबा जी का, मजाक। बाबा ने कहा, यार हमारा मजाक में थोड़ा यार, हम बाबा आदमी काहे को हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे लोग हंसे, वो माने नहीं, अचानक अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। उन्हें कहा, बाबा जी माफ कर दो, हम अंधे हो गए, आपको हमने उल्टा पुल्टा बोला, हम अंधे हो गए, हमको माफ कर दो। बाबा ने मारा फड़ाफड़, बोले लाइट चली गई है नलायको, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, जनरेटर जलाओ, लाइट आई तुम लोग व्यवस्था करो, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है, हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की, किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहा, तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। मेरे घर में एक बाबा जी आए, मैं छोटा था, मेरे घर में बाबा जी, बोले अलख निरंजन, मैं छोटा 7वीं कक्षा में, मेरे घर में कोई नहीं, पिताजी मेरे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, पापा ने कहा कोई भी आया करे जरूर कुछ देना है। मैं गया, बढ़िया एक लोटा में चावल भरा लेके आया, दिया, बाबा जी ले लीजिए। बाबा का बुट 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 बुट। मैं कहा, तो फिर क्या चाहिए आप? उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, उसको ऐसे किया और उसको मोती बना दिए। मैंने कहा, अरे वाह, और कुछ दिखाओ, और क्या दिखाते हो? मैंने कहा, और तो कुछ दिखाओ। उनको आश्चर्य, इसको आश्चर्य नहीं हो, ये बोल रहा है और दिखाओ। मैंने कहा, और दिखाओ। उन्होंने उसको ऐसे किया, अंगूठी बना दी। मैंने कहा, अरे बहुत अच्छा, और दिखाओ। बोला, बस दे 50 रुपए। मैंने कहा, बाबा मिट्टी से मोती बनाए, मोती से अंगूठी बनाए, तो 50 रुपया भी बना लो, जब तुम इतना ही कर लिए ये भी कर लो। ड्रामेबाजी है, इसमें ईश्वर नहीं बैठा, ये मूर्ख बनाने वाले व्यापार हैं, इनसे हमें बाहर आना है, ईश्वर इनमें नहीं बसता। हालेलुया, हालेलुया। जीवन को रूपांतरण करने वाली बातें अलग हैं, अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूं। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया।